चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सेवइयाँ। इस तरीके से मैंने बनाई हैं, देखिए। इसके लिए मैंने सब्जियों को कटिंग कर ली है। ये है मेरे पास सेवइयाँ। इसके लिए मैंने पैन में, कढ़ाई में तेल ली है। पहले हम लोग सेवई को तेल में भूंज लेंगे। इसको लो फ्लेम में अच्छे से भूंज लेंगे। चम्मच चलाते ही रहना है। अब इसके लिए घी भी यूज़ कर सकते हैं भूनने के लिए, मैंने तेल इस्तेमाल की है। इस प्रकार से वही अच्छे से देखिए भून जा गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। अब इसको मैं उबालने के लिए रख दे रही हूँ। पानी डाल दे रही हूँ, 1 से 1.5 गिलास। इसको मैं उबालने के लिए रख दी हूँ। इधर मैंने कढ़ाई में तेल ली है। तेल को हल्का गर्म होने देंगे, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा। जीरा अच्छे से पक गया तो मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्ची, प्याज, मीठा नीम, करी पत्ता। मूंगफली ये साथ में अच्छे से भुंजा जाता है, इसको अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से हम लोग भूंज लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर, इस प्रकार से कटा हुआ। आलू को भी छोटे साइज में कटिंग कर ली है। इसको धो के अच्छे से डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से हम लोग भूंज लेंगे। जब आलू हल्का सा भुंज आ गया है गाजर, तो इसमें मैं मटर डाल ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया तो नहीं यूज़ किया। और टमाटर, इसको थोड़ी देर ढक के हम लोग अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से सब्जियाँ पक गई हैं, देखिए। अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करती रही हूँ और नींबू का रस, आधा ही नींबू का रस डालिए। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। इधर देखिए सेवई अच्छे से उबल गया है, पक गया है। अब मैं इसको अच्छे से धो के निकाल के इसमें ऐड कर दे रही हूँ।
इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सेवई को पकाते समय हल्का सा तेल डाल दीजिए, मतलब बॉईल किए तब। तो इस प्रकार से हम लोग का सेवई बनके